गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शन 80G की डिडक्शन है उसको एक बढ़िया चार्ट से डिस्कस करेंगे। इसमें 100% कवरेज रहेगी और बहुत बढ़िया क्लियरिटी रहेगी। तो सेक्शन 80G जो डिडक्शन वो बात करता है, डिडक्शन फ्रॉम इनकम फॉर द डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और फंड्स। यानी कि आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे डोनेशन देते हैं या फिर किसी फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो इनकम है उसमें से डिडक्शन मिल जाती है आपको सेक्शन 80G के अंदर। तो 80G के रिगार्डिंग जितने प्रोविजन है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है एलिजिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर, कौन कौन पर्सन यहाँ पर एलिजिबल होगा इस 80G की डिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेयर, या चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सभी तरह के टैक्स पेयर को यहाँ पर एलिजिबल हैं वो 80G की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो सभी टाइप के टैक्स पर जैसे इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, कंपनी, फर्म एटसेट्रा, जितने भी पर्सन हैं इनकम टैक्स के अंदर सारे पर्सन इस 80G की डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिडक्शन 80C के अंदर आती है, जो 80C की लिमिट 1.5 लाख की, तो ये डिडक्शन है ये 80C का जो डिडक्शन होती है 1.5 लाख की उससे ज़्यादा होती है, उससे भी ऊपर होती है। यानी कि 1.5 लाख तो मिलेगा ही, अगर आपका डोनेशन होगा तो वो भी एडिशनल डिडक्शन आपका ऐड हो जाएगा 1.5 लाख के अंदर, 1.5 लाख से अलग। दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 1,50,000 स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ डोनेशन, यानी कि डोनेशन किस प्रकार से आपने किया हुआ है। तो डोनेशन एक तो हो सकता है मॉनेटरी में और नॉन मॉनेटरी मोड में। तो मॉनेटरी मोड में आपका एक तो हो सकता है जो कैश आपने करेंसी से आपने डोनेशन किया है, तो जो कैश मोड है उसके अंदर आपका 2,000 तक का डिडक्शन ही बस अलाउड होगा 80G के अंदर। लेकिन अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं और NEFT से, RTGS, UPI या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स से आपने डोनेशन दिया है तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, पूरा अमाउंट आपका जो है डोनेशन की तरह अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन जो पूरा जो डोनेशन का अमाउंट है वो आप उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने जो अमाउंट है कहाँ पे डोनेट किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया है या फिर कौन से फंड में आपने वो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। तो जो नीचे जो यहाँ पे जो पेज नंबर 2 में हम जो डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से भी डोनेशन का अमाउंट प्रेफर करेगा कि आपका 50% डिडक्शन मिलेगी या फिर 100% मिलेगी या फिर वो 10% से आपकी जो एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम है उससे भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो वहाँ पे जो डोनेशन का एक्सेप्टेड मोड है, क्या आप नॉन मॉनेटरी मोड में भी आप डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी मोड में कैसे होगा, जैसे आपने किसी को कपड़े दे दिए, खाने का सामान दे दिया या और कोई मटेरियल दे दिया, कोई मेडिसिन दे दी, तो इस टाइप की जो डोनेशन है, जो नॉन मॉनेटरी टाइप की डोनेशन है, वो यहाँ पे 80G के अंदर कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं रहेगी। यानी कि जो मॉनेटरी फॉर्म में है और जो अदर देन कैश हैं, यानी कि 2,000 से अगर ऊपर आपको देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 तक का अलाउड होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में देंगे तो जितना भी आपने डोनेशन दिया है वो आपका एलिजिबल रहेगा। नेक्स्ट आता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसकी कैलकुलेशन क्या होगी और ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का यूज़ कहाँ पे होगा। जो हम दूसरे जो नीचे वाला जो पेज होगा उसमें हम जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, जो अमाउंट ऑफ डोनेशन है वो जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा उसके हम कैलकुलेशन जब नीचे वाले पेज से निकालेंगे तो वहाँ पे इस टर्म का यूज होगा। तो इस टर्म ये जो अमाउंट है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, जितने भी आपके इनकम के हेड है, जैसे आप सैलरी होगी या फिर हाउस एंड प्रॉपर्टी या फिर अदर इनकम का हेड है या फिर कैपिटल गेन का हेड है, सभी हेड की इनकम को आपको ऐड करना है और उसके अंदर से आपको जितनी भी आपकी डिडक्शन है 80C से लेके 80U तक, अदर देन जो 80D की डिडक्शन है उसको आप हटा देंगे और साइड डिडक्शन को आपको उस टोटल इनकम में से लेस करना है। फिर जितनी भी एग्जम्प्ट इनकम है उसको यहाँ से लेस करना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप जो सेल ऑफ शेयर्स का होता है अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए के अंदर वो भी आपको लेस करना है, और जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हैं आपके प्रॉपर्टी के वगैरह वो भी आपको यहाँ पर लेस करनी है। उसके बाद आपको जो इनकम कवर्ड अंडर 115A, AB, AC, AD और 115D जो कि NRI और फॉरेन कंपनी से रिलेटेड करते हैं, इन सारे सेक्शन की इनकम भी आपको लेस करनी है। और उसके ये सारी चीज़ें घटाने के बाद आपके पास जो इनकम का अमाउंट आएगा वो वहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से जाना जाएगा। अब अगले जो चार्ट है, अगले पेज पे हम देखते हैं कि ये जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है इसका यूज़ कहाँ किया गया।
अब इस डायग्राम से हम जानेंगे कितना जो अमाउंट आपने डोनेट किया है, कितना कितना परसेंटेज आपका अमाउंट यहाँ पे डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर ATG। तो यहाँ पे चार कैटेगरी दी गई हैं बेसिकली। पहली कैटेगरी में आपका 100% अमाउंट एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए, सेकेंड कैटेगरी में आपका 50% अमाउंट एलिजिबल होता है, और जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है उसमें यहाँ पे 100% और 50% ही अलाउ होगा, लेकिन आपका जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से लिंक कर दी गई है। यहाँ पे देखिए 50% ऑफ डोनेशन अमाउंट मिलेगा, लेकिन 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट कैटेगरी दी है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा 100% अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। इसमें इस कैटेगरी के अंदर जो भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है इसके अंदर जो भी हैं, अगर आप इनके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको ATG के अंदर जितना भी अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया होगा उसकी 100% डिडक्शन आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाएगी। सेकंड जो है सेकंड कैटेगरी, इसके अंदर आपका जितना भी आपने डोनेशन का अमाउंट डोनेट किया है उसकी सिर्फ 50% डिडक्शन आपको मिलेगी। इसमें है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फ़ंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फ़ंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। थर्ड जो कैटेगरी दी गई है, अगर इस कैटेगरी के अंदर आपने कोई डोनेशन दे रखा है तो आपका जो डिडक्शन हो गया तो 100% डोनेशन अमाउंट या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर, यानी कि मैक्सिमम आपका जो 10% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है वहाँ तक जा सकता है। तो इस डोनेशन के अंदर जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर उनको आपने डोनेशन दिया है या फिर कोई ओलंपिक एसोसिएशन है उसके रिगार्डिंग कोई डोनेशन दिया है तो वो वाली इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे ATG की इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी, यानी कि 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम या फिर 100% ऑफ डोनेशन अमाउंट विच एवरेज लोअर तक हो सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसके अंदर आपका जो डोनेशन का अमाउंट है उसका 50% या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, इनमें दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको उतना अमाउंट की डिडक्शन आपको ATG के अंदर मिल जाएगी। इस कैटेगरी के अंदर एनी अदर फंड एनी इंस्टीट्यूशन या विच सेटिस्फाइज द कंडीशन मेंशन्ड इन द सेक्शन 80G5, यानी कि वो जितने भी रेजिडुअल जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बच गए वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जैसे गौशाला वगैरह है अगर उनको आप डोनेशन देते हैं चेक के द्वारा तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। उसके अंदर आपको या तो उसका डोनेशन का 50% अमाउंट या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उन दोनों में से जो भी कम होगी सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट की डिडक्शन आपको ATG के अंदर मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ATG डिडक्शन। यू कैन डाउनलोड दिस चार्ट बाय द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल द प्रोविजन्स ऑफ ATG सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।